औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद प्याज मंडी में मौजूद हूँ मैं। आज देखते हैं कि प्याज के क्या रेट चल रहे हैं। प्याज के आपको बोरी के, तोड़े के और 5 किलो के, किलो के रेट भी इंशाल्लाह बताऊँगा। आलू के रेट भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। मेरे चैनल पर बाटा चौक मंडी की वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं जी। आज मंडी में इतना ज़्यादा रश नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मंडी बिल्कुल खाली है जी। जैसे आम दिनों में रश होता है, प्याज भी कम है आज और गाहक भी कम है जी। 50 किलो है, 53 किलो 55 किलो 15 साढ़े 15 जाली का वजन किया जी, 54 किलो वजन हुआ है जी। सत्रह सौ रुपये की बिकी है जी। आपके सामने वजन किया है, 54 किलो हुआ है जी। हेलो, 2 बोरियां पहले खुल चुकी हैं जी, 3री बोरी खुल रही है जी। सारी लाट थी, 1 थी 2 थी 2.5 3800 रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह जी, देखें जी जबरदस्त प्याज है जी। सामने भी 3700 रुपये की बोली हो रही है जी। चौंतीस 3800 रुपये जी, सामने 3800 रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह प्याज बहुत प्यारा है जी, वो दिखाई दे रहा होगा जी आपको, ये 3800 रुपये का बिक गया। इधर 3700 रुपये बोली रुकी हुई है जी। सैंतीसौ रुपये का इधर बिक गया जी। माशाल्लाह जो आपको मैंने 3800 रुपये का प्याज बिका उसका आपको क्लोज व्यू दिखाते हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल खुशक प्याज है जी। ये वाला जो बोरा है जी, ये वाली 4600 रुपये की बिकी है जी, वो वाली 400 रुपये की बिकी है जी। माशाल्लाह आगे वाली जाली 500 रुपये की बिकी है जी। माशाल्लाह 700 रुपये का बिकी है। माशाल्लाह वजन देखें जी, जबरदस्त चीज़ है जी। तकरीबन 25-30 किलो का वजन होगा जी। 600 रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह बहुत प्यारा प्याज है जी। चार सौ रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह देख लें जी, प्याज वाला छोटा है, अच्छा है जी। ये वाला तोड़ा जी 750 रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह सवा 700 रुपये का बिक गया जी। आप खरीद रहे हैं? ये मेरा माल है। अच्छा आपका माल है ये? अच्छा 1100 रुपये का बिक गया जी। माशाल्लाह जी देखें जी, जबरदस्त चीज़ है जी। वजन तकरीबन 25-30 किलो का है जी। कितना आगे होने लगी है जी बोली? ग्यारह सौ पचास का बिक गया जी। वो वाला जाली जी जिस पर भाई बैठे हुए हैं अभी, अतीउल्लाह भाई के पास आ गए जी। माशाल्लाह अतीउल्लाह भाई से पूछते भी हैं कि आगे प्याज ईद पर महंगा भी होगा या नहीं, सस्ता होगा या महंगा। तो माशाल्लाह अतीउल्लाह भाई ने बोली कर ली है, पूछते हैं कि भाई ने कितने का बेचा। अच्छा अतीउल्लाह भाई ये बताएं कि आगे मज़ीद अभी प्याज ईद पर महंगा होने का चांस है या नहीं? उम्मीद तो है कि महंगा हो जाएंगे, उम्मीद है। ये जमींदार और व्यापारी को खर्चे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मज़ीद नुकसान हो रहा है अभी भी जी। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि बाजार आगे महंगा हो, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा जी, बेहतरी आ जाएगी। ईद पर उम्मीद है कि भाई बता रहे हैं कि बेहतरी की चांस हैं जी। बड़ल कुछ कह नहीं सकते, बड़ल उम्मीद है।
चातियुल्ला भाई ये बता दें, ये बोरिया कितने की बिकी है? ये 4500 तक बिके, इससे अच्छा क्वालिटी जो है वो 5000 तक बिके। ये 4500 का बिका है, दरमियाना क्वालिटी का जो इससे अच्छे वाला क्वालिटी है वो 5500 का, 5000 रुपये का बिका जी। देसी प्याज 5000 का बिका है। स्वाति प्याज है 3500, 3600, 3700। स्वाति प्याज 3500, 3600, 3700 तक बिका जी माशाल्लाह जी। बड़ा जी आज तक आज रेट कुछ बेहतर है, बेहतर है आज रेट कुछ बेहतर है। जो पिछली वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, जुमेरात को तकरीबन बनाई थी, उसका रेट कम था, आज रेट बहुत बेहतर है जी। ये इधर भाई साहब कर रहे हैं अभी बोली, बिकिया ये कोई नहीं अभी बिका ये हाल, ये वाला नहीं बिका जी। आलू मंडी में पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आलू मंडी बिल्कुल आलूओं से भरी हुई है जी, बोरियां तो बिल्कुल बहुत कम आती हैं आजकल, थोड़े ही ज़्यादातर आ रहे हैं क्योंकि स्टोर वाला आलू आ रहा है जी आजकल। माशाल्लाह ज़बरदस्त आलू है जी। पूछते हैं रेट आज क्या जा रहा है जी, आलू का क्या रेट है इसका? आज इसका रेट 3800 रुपया जी। कौन सा आलू है? एक्स टैक्स आलू है जी, चिप्स वाला प्योर फीका फीका आलू है जी माशाल्लाह। इसमें वजन कितना है? 50 किलो है जी, अच्छे वाला आलू है जी तो माशाल्लाह। तकरीबन ये वाला कौन सा है? ये जो नहीं, ये 3300 का, ये 3400 का, ये 3300 का, ये कौन सा आलू है? ये भी एस्टेक से, मगर इसका वजन कम है, आलू छोटा है, आलू छोटा है, वजन कम है, वजन उतना ही है, वजन बस 2-3 किलो का, यानी कि वो 50 है तो इसमें 47 किलो तक होगा जी। भाई माशाल्लाह बैठे हुए हैं सब, अभी रहीमदाद भाई से पूछते हैं कि क्या रेट आज बिका है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। आपके पीछे ये कौन सा आलू लगा हुआ है? जी जी, कितने का? 3300-3400 का बिक्र है। वज़न 9-10 लड़ी। उधर मैंने पीछे पूछा वो एक 3800 का भी बता रहा था, 3000 का भी है मंडी में, एक उसने 3800 का बताया, ये 3400 का, 3400 रुपये का। तो जो सफ़ेद वाला है, सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला आलू बिक रहा है। कौन सा सेंटा आलू है? 3200-3300 का। कौन सा मीठा आलू है? वो 2800-2700, यानी कि फीका उसमें जो है 3200-3300 का बिका है। तो मीठा, मीठा कौन सा है ना, वो बिक रहा है 2700-2800 का। उसमें वज़न कितना होता है मेरे साहब? वज़न वही हिसाब है, 9-10 लड़ी। 9-10 लड़ी यानी कि 40-45 किलो होता है, 50-45 किलो तक बता रहे हैं जी, निकल गया जी। तो बोरी आया आज? बोरी आज नहीं है, कल आया था, 7000 रुपये की। अच्छा जी, बोरी कौन सा आ रहा है? टैक्सले वाला अभी नया आलू मेरा नहीं आ रहा ना, पंजाब वाला शुरू हो गया अभी। 7000 का कल बिका था, आज नहीं बिका, आज आया ही नहीं है। उसमें तो वजन 120 किलो होता है, 110 किलो तक होता है जी। बड़ा जी यही आलू की अपडेट थी, अभी चलते हैं जी उधर किलो का पता करते हैं कि किलो क्या रेट जा रहा है। बहुत शुक्रिया मीर साहब। घर के लिए मैंने सब्ज़ी भी ले ली है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो टिंडा है जी, ये देसी टिंडा जी माशाल्लाह, 300 रुपये का भाई 5 किलो दे रहे हैं इस वक्त। और ये तोड़ी है माशाल्लाह, ये 250 रुपये की 5 किलो ली है, यानी कि 50 रुपये की किलो, ये वाला 60 रुपये का किलो जी। ये मेरा टिंडा आ गया जी, तोड़ लाए हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी उस मार्केट में पहुंच चुके हैं जहां 5 किलो के हिसाब से आलू प्याज मिलता है जी। प्याज का रेट है जो आज 200-250 रुपए का 5 किलो जा रहा है, यानी कि 40-50 रुपए का किलो। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्याज है जी, ये खुशक वाला आलू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। आलू का वजन आज दड़ी का क्या रेट है? 450 रुपये का 5 किलो दे रहे हैं। एक्सट्रैक्स है ये? एक्सट्रैक्स आलू है जी, और माशाल्लाह 90 रुपये किलो है जी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।